ना एज में छूट दी जा रही है ना भर्ती आई जा रही है। इस वीडियो में मेरी आवाज या फिर लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, माफी चाहता हूं अगर माता बहने इस वीडियो को देखे तो, पर देश का युवा आज परेशान हो रहा है ना। गवर्नमेंट इनके लिए भर्ती के बारे में सोच रहा है, पता नहीं बच्चे कितनी मेहनत करे, 2 साल 3 साल से मेहनत करे जा रहे हैं, कोविड के नाम पर सरकार सिर्फ इन्हें सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डाल डालकर उल्लू बनाई जा रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार से? क्या कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो आप लोग? 2 साल से यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं। पापा मेरे बचपन में खत्म हो गए थे और बचपन से सोचा था कि मैं मतलब आर्मी में जाके देश की सेवा करूंगा। और पापा बचपन में खत्म हो गए तो खर्चा कौन देता है? मम्मी देती है सर, कैसे भी करके। मैंने सोचा यहाँ पे 2 साल तैयारी, 2 साल से यहीं पे लगा हूँ कि अब भर्ती आ जाएगी, अब मेरा भविष्य सुधर जाएगा सर। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ यार, ये आर्मी की तैयारी करने वाला नहीं, फैमिली से नहीं है, इनके शौक नहीं है आर्मी में जाने का, इनकी मजबूरी है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इनके लिए, युवाओं के लिए क्या कर रही है? सिर्फ अपने चुनाव प्रचार में बस मग्न है आप लोग, चुनाव प्रचार में लगे हुए, रैलियां करवा रहे, वहां पर कोविड कुछ दिखता नहीं आप लोगों को। इनकी एज रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग कुछ सोचा नहीं है, नोटिफिकेशन में जारी करते हैं कि एज में कोई छूट दी नहीं जाएगी और ना कोई भर्ती करवाई जा रही है। भर्ती के नाम पर एक भर्ती करवाने के लिए पता नहीं कब से, अभी तो एग्जाम ही पेंडिंग है, आपने एग्जाम नहीं करवाई है, तो क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? आप चाहते क्या इन युवाओं को मना कर दीजिए आपके? बिल्कुल, आप अब आर्मी के अंदर कोई भर्ती नहीं होगी, आप जाइए युवा अपना अपना काम, अपना अपना काम करिए। क्या चाहती है युवा? युवा एक ही चीज चाहते हैं ना, भर्ती आए, भर्ती के अंदर इनको मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, ये चाहते हैं, ये अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। कई बच्चे तो ऐसे जो 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, कई बच्चे पता नहीं क्या क्या इनके मन के अंदर ख्याल आते हैं, रात दिन मुझसे बात करते हैं, सर आप पहल कीजिए सरकार से। क्या मैं सरकार से पहल कर सकता हूं? सरकार आप अपनी मनमानी पे तुली हुई है ना, गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे रही है युवाओं पर। युवा देखिए एक बात बताता हूं, युवा इस देश का भविष्य है, अगर आप युवाओं को इतना परेशान करेंगे तो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडियन आर्मी लवर्स देख रहे हैं, अब तैयार हो जाइए आप भी, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं, प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। अब अगर जल्दी भर्ती नहीं आएगी तो जल्दी युवा रोड पर आएगा, आप निरंतर मुझसे संपर्क में रहिए, हम जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर अभी भी भर्ती नहीं आई तो बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसलिए प्लीज अनुरोध है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जितनी ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा डिमांड कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ डिमांड से ही आपकी भर्ती आ सकती है, ऐसे तो कोई भविष्य दिख नहीं रहा है युवाओं का। जय